दीखे। चलो 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 चलो, कोई कलर नहीं चला ना। ये बबरी तेल तेल कितने से मैं क्या डाला था, कितना भर गया। ये देखिए ऐसे फूट रहा है इसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रजवंती, रजवंती किचन चैनल में स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ नए रेसिपी बनाने, मतलब ये मकाई को मतलब लाओ जैसे स्टाइल में फोड़ने कोशिश लाओ छोड़। मेरा बता दो, मेरा बता दो खोल के। ये मैंने मार्केट से मंगाई है, 100 रुपये के हैं। 100 रुपये कितने सुन, कितना 250 ग्राम, 100 रुपये के जी है। बताओ खोल, बताओ। देखिए मकाई के अलावा थोड़ा ये दूसरा टाइप का मकाई है, जिसे तेल डालते के साथ में मकाई लावा इस तरह से फूटेगा, एकदम देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बताती हूँ किस तरह से लावा फोड़ेंगे सर। ए पंखा बंद, पंखा बंद कर दो बाबू वहाँ से। बाप रे, बड़ी धूप हो तुम। इसमें तेल डालूंगी, तेल तेल और नमक की सब है ना। लाया रे नमक का अंडा वाला, नमक लाया, नमक ठीक। ये सिंधा नमक है, सिंधा नमक काला नमक, काला नमक। इसे तेल में साथ में डाल कर मिला लेती हूँ। एक चम्मच मिला लेती हूँ, तेल को थोड़ा गर्म होने देती हूँ। कच्चा मकई को अगर आप घर पे बनाएंगे ना इसे, तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक पेपर के प्लेट में आपको मिलता है 10 रुपये के आसपास, और जबकि उसमें 2 रुपये के भी मकई नहीं डालता है उतना। आपको देखिए किस तरह से ये हाथ में डाल दिए, और ढकना पड़ेगा ना। ये डल गया मकई यहाँ पर, और गर्म हो तो अपने आप इसमें से लावा बन जाएगा। चलाते रहना है क्या? मरो मरो, हाँ इसी तरह से कुछ देर तक चलाते रहना है। जब गर्म होगा ना तो अपने आप ये फूटेंगे लावा की तरह। देखिए फूटना स्टार्ट हो चुके हैं, एक दो ही फूटा है शायद, तेल ज्यादा गया इसका मतलब। नहीं तेल नहीं ज्यादा, नहीं अब देखो ढक दो, ढक देना इसे। देखिए किस तरह से आवाज आ रही है, ये देखिए किस तरह से फूट रहे हैं। नहीं तो बाहर फेंक देंगे ना। चलो चलो अंदर डाल कर, कितना आवाज आ रही है।
चला चला चला, कोई प्रॉब्लम नहीं, चला ना। ओ बाप रे, तेल तेल इतने से मैं क्या डाला था, कितना भर गया। ये देखिए ऐसे फूट रहा है, इसे बहुत तरीके पूरा। ये देखिए चला देना मेरे साथ मिश्रा ना, और एक अब नहीं है। ये देखिए किस तरह से फूटे हैं, बहुत ही जबरदस्त, सब पूरा छिड़ गया, देख सकते हैं ना। देख कितना कितना बिखरा है, ये देखो। ये देख लो बाप रे, कितना सारा पड़े हैं, इसमें नमक डालने के बाद स्वाद थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, सॉफ्ट हुआ है। ये सब देखो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना काफी, क्योंकि बाहर का जो मार्केट जो होती है काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर से घर पे बनाएंगे जिस तरह से हमने बनाया है, अगर उस तरह से फॉलो करके बनाएंगे आप, तो काफ़ी ही अच्छी लगेगी खाने में, जो कि खाने में बहुत अच्छा टेस्टी आ रही है। मैं भी शेयर करती हूँ खा के कि कैसा लगता है लावा। मैं भी खा के देखता हूँ। लो 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 लो, खा 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 लो। ये दोनों भांजा, ये दोनों गुंडा है एक नंबर का। बताओ भाई ये साहब कैसे लग रहा खाने में? ठीक, अच्छा लगा। ये राम जी का धनुष कहाँ से लाया? है? राम जी का धनुष और तू मार्केट से लाया? मार्केट से लाया। खाने में कैसा लग रहा भाई साहब? बहुत अच्छा। इधर देख के बताना। तू कोई हंस रहा है रे?